हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक वीट फार्म बनाया था, एंड ये वाला वीट फार्म हमने इसलिए बनाया था क्योंकि ये जो हमारे जितने भी एनिमल्स हैं इन सबको मैं वीट खिलाकर इनकी जनसंख्या बढ़ाकर फिर इन्हें मार दूंगा, एंड उनसे जो मुझे खाना मिलेगा उसको कुक कर मैं पका लूँगा, एंड उसके बाद मैं अपने खाने के लिए मतलब मैं अपना खाना देख लूँगा, इसलिए मैंने वीट फार्म बनाया था। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर हम माइनिंग स्टार्ट करते हैं, एंड ये है ब्लॉक जहाँ से मैं माइनिंग करनी है। एंड गाइस आप भी देख पा रहे हो, आगे की साइड मैंने यहाँ पर ब्लॉक्स लगा दिए हैं, एंड मैंने वाटर के सारे लगाए थे क्योंकि गाइस इस ब्लॉक का नीचे की साइड पर बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा। अभी आपको धीरे धीरे सब चीज़ पता चल जाएगी कि हमें किस क्या काम पड़ने वाला है। एंड गाइस आज मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा डर्ट माइन करनी है, एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और गोल्ड डोर आ चुका है। भाई भाई भाई, इतने ज़्यादा गोल्ड डोर, मतलब दो गोल्ड डोर ही हुए हैं अभी तो मेरे पास फिलहाल के लिए, लेकिन दो गोल्ड डोर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप भी देख सकते हो इसके नीचे भी है एक और एक ब्लॉक, एंड ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जितना भी मैं सामान कलेक्ट करूँगा उससे मेरा सामान यहाँ पर नीचे नहीं जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये पीछे के वाले ब्लॉक पर जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी सामान नीचे नहीं गया है। एंड शायद चला गया, हाँ भाई चला, एक ब्लॉक चला गया। तो भाई रिस्क है लेकिन आराम से हम कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ ना, यहाँ से माइनिंग करने लग जाता हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पर क्राउच रखा हूँ, एंड यहाँ से माइनिंग करूँगा तो सारा का सारा सामान यहाँ पर आ जाएगा। तो ओके गाइस, यहाँ पर एक चेस्ट आई है, एंड इसे अब मैं ओपन करता हूँ। एंड वापस से यहाँ पर एमरल्ड्स मिले हैं मेरे को, कुछ एरोज़ मिले हैं, एंड बूट्स मिले हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है इन्वेंट्री में। तो मैं इन फ्लावर्स को इस मतलब फेंक दूंगा, इन्हें मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं है फ्लावर्स का। तो एंड गाइस ये जो मेन मैंने ब्लॉक लगाया है यहाँ पर, वो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि गाइस ये जो यहाँ पर ग्रेवल है वो नीचे भी जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लॉक लगा दिया। मतलब ये ब्लॉक लगा देंगे इसके नीचे तो यहाँ से ग्रेवल नीचे नहीं जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा सही यूज़ था। इसकी वजह से हमें फ्लिंट मिल जाएगी, एंड आराम से हम अपना नेदर पोर्टल बना के स्टार्ट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर एक और वुड प्लैंक आया है तो इसमें कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर आयरन मिला है हमें, आयरन की शॉर्ट मिली है, एंड यहाँ पर पोटैटोज़ मिले हैं, एंड बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पर मेरे को मिल गया। सबसे पहले मैं इसे कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड ये डिस्पॉन ना हो जाए इसी वजह से मैं जितना भी मेरे पास अभी यहाँ पर फालतू का सामान है मैं इस चेस्ट के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। एंड मुझे लगता है मेरे को एक चेस्ट यहाँ पर और बनानी पड़ेगी। देख सकते हो मतलब कि बूट्स मेरे पास कितने ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब 5 बूट्स मेरे पास हो चुके हैं, एंड आयरन भी ठीक ठाक हो चुका है, एंड गाइस यार गोल्ड भी मेरे पास 2 हो चुके हैं। तो ओके गाइस, यहाँ पर इतना ही सामान आ पाया है, एंड अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डबल चेस्ट ले लेता हूँ। मतलब मैंने सारी चेस्ट यहाँ पर ले ली हैं, और आयरन की शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है मेरे पास। तो मैं एक काम करता हूँ, वो जो मेरे पास चेस्ट हैं उनको मैं नीचे लेता हूँ, एंड अब मैं इनको कुछ इसके ऊपर लगा देता हूँ, 1-2 हाँ गाइस बस। तो गाइस यार मैंने इनके ऊपर इसे लगा दिया, एंड ये फालतू का जितना भी बाकी का सामान है यहाँ पर इसको भी मैं स्टोर करवा देता हूँ। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर सारा का सारा सामान था वो मैंने स्टोर करवा दिया, एंड यहाँ पर कुछ चेस्ट्स हैं इन सबको भी मैं रखवा देता हूँ। डर्ट भी है यहाँ पर थोड़ी बहुत, एंड डर्ट का यूज़ है तो टॉर्च मैं ले लेता हूँ। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर अब हम वापस से माइनिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर रात हो चुकी है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मेरा ये जो सामान है इसको मैं सबसे पहले कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड वापस से मैं इसे चेस्ट के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। तो चलो गाइस यार, बाकी का सामान भी मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिया है। अब ज़रूरत है मेरे को कुछ आयरन की, तो यहाँ पर मेरे को 3 आयरन की ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो मैं बता देता हूँ कि क्यों। यहाँ पर अभी देख सकते हो मेरे पास 6 आयरन और हैं, मतलब 3 आयरन और हैं एंड 6 आयरन इनगट हैं, मतलब ये आगे जाकर और मिल जाएंगे, एंड ज़्यादा दिक्कत होगी तो पूरा का पूरा हम यहाँ पर फार्म बना देंगे। एंड ये मेरे को शेयर की ज़रूरत है, एंड ये 2 आयरन से बनती है। ओके, तो बाकी का एक आयरन है मैं इसको रखवा देता हूँ, भाई आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है फिलहाल के लिए। एंड गाइस अब मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक बेड, बेड से पहले मैं यहाँ पर ये शेयर कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर एक शीप से मतलब 3-3 वूल मिल चुकी हैं, एंड अब इन वूल का मैं सबसे पहले बेड बना लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पर एक वुड प्लैंक की ज़रूरत है। ये रहा एक वुड प्लैंक, भाई एक सेकंड, तो ये मैंने शायद नीचे फेंक दिया, इसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अब मेरे को यहाँ पर सबसे पहले इसे प्लैंक्स में कन्वर्ट करना है, एंड देख सकते हो यहाँ पर अपना एक वाइट कलर का बेड बन चुका है। एंड शायद से मैं वूल को अपने दूसरे कलर में भी डाई कर सकता था, पता नहीं। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैंने बेड लगा दिया है, एंड अब यहाँ पर मार लेते हैं हम चक्की। तो फाइनली गाइस आज हमने एक बेड बना के उसके ऊपर एक नींद मार भी ली। तो चलो गाइस, यहाँ पर डे हो चुका है, एंड वापस से मेरे को यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करनी है। एंड शेयर को भी मैं रख दूंगा, कोई बात नहीं। तो अब मेरे को ये वाला ब्लॉक है मतलब ये जो चेस्ट है इसे सबसे पहले यहाँ पर हटाना पड़ेगा, एंड वापस से अपनी माइनिंग स्टार्ट करनी है। तो ओके गाइस, यहाँ पर एक और चेस्ट आई है, इसके अंदर से 2 आयरन मेरे को मिल चुका है। वापस यहाँ पर 16 ये बेक्ड पोटैटो मिल चुके हैं। ओके गाइस, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन है, इसके अंदर मतलब हमारा जो प्लेयर है इसको भूख बहुत ही ज़्यादा कम लगती है। देख सकते हो जब से मैंने वर्ल्ड जनरेट कराया जब से अब तक भी मैंने यहाँ पर एक भी बार कुछ भी नहीं खाया है,
एंड देख सकते हो अभी तक मेरी हेल्थ यहाँ पर फुल है। तो यहाँ पर एक और गाय आ चुकी है भाई, गाय मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मैं काम करता हूँ इसको मार देता हूँ, इसका खाना मैं वापस से यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस गाय बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, फार्म भी मैंने बना लिया है, इसी के अंदर मैं इनकी ब्रीडिंग करवा करवा के मतलब इनकी जनसंख्या बढ़वाता रहूँगा। ओ भाई भाई क्रीपर, एक सेकेंड, ओ शिट गाइस, मेरे को सामने की साइड से माइनिंग करनी थी जब जाकर मैं क्रीपर को मार सकता था। एंड ये जो प्लेस है मैंने इसीलिए बनाया था ताकि यहाँ पर क्रीपर ना आ सके। एंड पता नहीं ये क्रीपर कहाँ से आ गया, लेकिन एक अच्छी बात है कि ये नीचे के जितने भी स्टोन्स थे वो नहीं हटे, इनको तो मैं वापस से भर दूंगा गाइस, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब मेरे को पता चल गया कि भाई क्रीपर से सामना कैसे करना है, मतलब अभी तक तो नहीं पता था लेकिन अब पता चल चुका है। एंड यहाँ के जितने भी मतलब ये प्लैंक्स थे ये भी हट चुके हैं भाई, दिक्कत आ गई थोड़ी सी। तो चलो गाइस सर यहाँ का ये मैं लॉग लगा देता हूँ, एंड पीछे ध्यान देकर काम करना है मेरे को, कहीं मैं नीचे ही ना गिर जाऊँ। एक लॉग मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। एंड गाइस सर ये जितने भी फेंस यहाँ पर हटे हैं, इन फेंस को सबसे पहले यहाँ पर लाकर लगाना पड़ेगा। वो तो अच्छा है कि ये गाय भैंस तक पहुँच नहीं पाया, लेकिन गाइस एक अच्छी बात है कि अब मैं क्रीपर से आराम से सामना कर सकता हूँ, क्योंकि गाइस अब मेरे को क्रीपर से सामना करने की भी ट्रिक मालूम पड़ चुकी है। एंड यहाँ पर भी डर्ट रखी है तो इस डर्ट को भी मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये रहे वुड प्लैंक्स, एंड मेरे पास फेंस पहले से ही रखे हैं। एंड यहाँ पर देख लेता हूँ और भी गाइस फेंस यहाँ पर और भी रखे हैं, तो चलो गाइस सर इतने में काम हो जाएगा। एंड एक सेकेंड, तो चलो गाइस सर इतने में काम हो जाएगा, एंड नहीं होगा तो हम वापस से और जो जितना ज़रूरी का है सामान वो हम वापस से बना लेंगे। तो चलो गाइस सर यहाँ पर मैंने इतना लगा दिया है, एंड इस ब्लॉक को हटाकर मेरे को यहाँ पर लॉक लगाना पड़ेगा, नहीं तो यार सारा का सारा डिज़ाइन है ये ख़राब हो जाएगा। तो ये रहे यहाँ पर फेंस, तो एक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर। एंड गाइस सर कुछ डर्ट है यहाँ पर भाई, ये ब्लॉक नहीं हट जाए भाई, मैं नीचे ही गिर जाऊँगा इस बार। तो ये रही मेरे पास डर्ट। अब गाइस इस डर्ट को यहाँ पर लगाता हूँ, एंड इसको यहाँ पर, एंड एक यहाँ पर लगा देता हूँ, एंड एक यहाँ पर। तो चलो गाइस सर वापस हमारा डिज़ाइन हो चुका है, एंड वापस से अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी माइनिंग। तो चलो गाइस सर वापस से यहाँ पर एक लॉग आ चुका है, एंड इसे मैं अभी चेंज करके लगा दूंगा जब तक मैं यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करूँ। तो गाइस सर यहाँ पर और भी आयरन आ चुका है, एंड एक और यहाँ पर वो सॉड आ चुके हैं। एंड भाई बहुत ज़्यादा मेरे पास यहाँ पर पोटैटोज़ हो चुके हैं, वो भी बैग्ड बैग्ड पोटैटो से बहुत जल्दी यहाँ पर हेल्थ बढ़ती है। अबे चूरन चल, अब भाई ये मरी नहीं। तो चलो गाइस इसको मैंने मार दिया है, एंड ये देख सकते हो यहाँ पर ग्रेवल आया, एंड मेरे को फ्लिंट मिल चुका है। तो भाई इस फ्लिंट को सबसे पहले मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड वापस से अब यहाँ पर मैं माइनिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ओके गाइस सर जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक बेड रॉक आ चुकी है, एंड मुझे लग रहा है कि हमारा फेस भी बढ़ चुका होगा, मतलब अभी तक ये हमारा सेकंड फेस था, अभी हमारा थर्ड फेस लग जाएगा। एंड देखते हैं कि इस थर्ड फेस में क्या आने वाला है। लेकिन गाइस क्रीपर के ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अब अगर लग जाए तो भाई उसका मुँह तोड़ दूंगा मैं। तो चलो गाइस सर यहाँ पर ये फेस तो चेंज हो चुका है, लेकिन भाई स्टोन ही आया। तो गाइस ये तो लॉग है, मतलब ये तो फेस वन में भी मिल रहे थे, कुछ ऐसा क्या है मतलब कि ये क्या है, तो इसे देखना पड़ भाई, मिला ही नहीं। तो गाइज़ वो कुछ स्नो आइस, भाई भाई भाई, तो गाइज़ ये तो आइस तो सिल्क टच की पिकेक से कलेक्ट होगी, लेकिन अभी मेरे पास तो पिकेक्स ही मतलब बच्चों वाली है, सिल्क टच की पिकेक्स तो बाद में ही बनेगी। ओ भाई गोल्ड यहाँ पर मिल चुका है हमें, बेरीज भी मिल चुके हैं। एंड गाइज़ सर ये हमें मिल चुका है कैंप फायर, भाई भाई भाई, फेस मतलब फेस थ्री में इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें। अब मैं कोई देखना है डायमंड कौन से फेस में मिलता है, थर्ड में मिल जाएगा या फिर फोर्थ में मिलेगा, तो देखते हैं। एंड गाइस मुझे लग रहा है ये शवल से ही कलेक्ट होगी, क्योंकि ये जब हम लास्ट टाइम मतलब पोलर बियर को अपने मतलब दूसरे वर्ल्ड में लाए थे तो वो भी मतलब शवल से ही कलेक्ट हो रही थी वहाँ की स्नो। तो देखते हैं यहाँ पर शवल गाइस बनाना पड़ेगा, तो एक मतलब शवल बनाने के लिए किन किन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो गाइस सर यहाँ से मैंने स्टिक्स ले लिए, एंड एक यहाँ पर मैं शवल बना लेता हूँ। तो एक काम करता हूँ आयरन का शवल बना लेता हूँ, वैसे भी यहाँ पर एक आयरन ही लगता है। तो चलो गाइस सर अब यहाँ पर वापस से अब हमने माइनिंग स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरे पास शवल, तो एक बार मैं इसे यूज़ करके देखता हूँ, क्या पता मिल जाए। हाँ गाइस सर ये है क्या, वैसे ही देखते हैं। तो गाइस ये है स्नोबॉल, तो चलो गाइस इसे हम वापस कलेक्ट कर लेते हैं। ओ भाई ये पोशन छोड़ देता है, शिट यार टेक्निकल गाइस पोशन छोड़ गया ये, तो इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, मतलब ये मार तो नहीं पाया मेरे को लेकिन ये पोशन छोड़ गया। तो चलो गाइस सर थोड़ा पीछे के माइन करते हैं, अगर कोई आएगा भी तो उसे हम आराम से मार देंगे, दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर वापस से चलो यार, मतलब ये एक ही शॉट में यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। तो ओके गाइस सर यहाँ पर हमें एक नई चीज़ मिली है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। आप भी देख सकते हो यहाँ पर मेरे को मिली है लैपिस लजूली, एंड गाइस ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है,
मतलब इससे हम एन्चेंटिंग कर सकते हैं आराम से। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले जितना भी सामान मेरे को मिला है वो सारा का सारा सबसे पहले स्टोर करवा देता हूँ, क्योंकि गाइस आज मैं एक फॉरेस्ट बनाने वाला हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर। एंड वो फॉरेस्ट में क्यों बनाने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो गाइस, सर मैंने यहाँ पर सारा का सारा सामान तो वैसे स्टोर करवा दिया है, एंड अब मेरे को यहाँ पर कुछ कॉबल स्टोन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, एंड कुछ ये भी ले लेता हूँ मैं, एंड ये वाले ब्लॉक्स भी ले लेता हूँ, इनका वैसे भी ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। एंड गाइस कुछ डर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, तो इसको मैं रखवा देता हूँ। तो चलो गाइस यार, इतना सामान काफ़ी है, एंड थोड़े बहुत और स्टोन्स ले लेता हूँ, तो बस इतने स्टोन्स बहुत हैं। एंड गाइस अब मेरे को सबसे पहले यहाँ पर एक सरफेस मैंने बना रखा है, तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, मतलब अभी तक मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया था, तो अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। भाई 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 तो निकल जाएंगे बाहर, तो एक सेकंड भाई ये बाहर निकली है, तो चल ओ भाई ये तो एक शॉट में मर गई। तो ये मैं गेट खोलता हूँ एंड ये से बंद कर देता हूँ। तो चलो गाइस यार अब मैं यहाँ पर बैक साइड आ गया, एंड देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक सरफेस बना रखा है, एंड अब मैं इस गेट को बंद कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक सरफेस बना रखा है, मतलब ये छोटा सा सरफेस है एंड बहुत ज़्यादा सही है। तो मैं काम करता हूँ, एक लाइन यहाँ पर और बना देता हूँ, तो वो मैं कुछ कॉबल स्टोन से बना देता हूँ। तो 1 2 3 4, तो गाइस यार यहाँ पर 4 लाइन का गैप है, एंड अब यहाँ से मैं 3 ब्लॉक पीछे जाने वाला हूँ, तो 1 2 एंड 3। अब यहाँ से भी मैं 3 ब्लॉक पीछे चलता हूँ, तो 1 2 एंड 3। तो गाइस यार अब ये यहाँ से मतलब ये लास्ट ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक तक यहाँ पर 10 ब्लॉक का गैप है, तो मतलब ये तो ठीक ठाक है। एंड चलो गाइस यार अब मैं इसे पूरा का पूरा फिल कर देता हूँ, एंड यहाँ पर कुछ कॉबल स्टोन्स भी लगेंगे, एंड जितने भी मेरे पास फालतू के स्टोन्स है गाइस उनको तो मैं यहीं पर लगा दूंगा। वैसे कॉबल स्टोन्स का थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा यूज़ होता है, लेकिन ये जितने भी ब्लॉक है ना, ये डायोराइट और ये फालतू के जितने भी स्टोन्स हैं, तो गाइस इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता, इसलिए मैं इनको यहाँ पर लगा दूंगा। तो ओके गाइस यहाँ पर कुछ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, मेरे यहाँ पर स्टोन्स बच गए हैं, तो मुझे लग रहा है और स्टोन्स की मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर और स्टोन्स लेकर आता हूँ, वैसे मैं देख लेता हूँ मेरी इन्वेंटरी में इतने तो नहीं है। तो चलो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टोन्स और लेकर आता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं और कॉबल स्टोन्स लेकर आ चुका हूँ, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो 33 कॉबल स्टोन्स हैं, तो इनको मैं सबसे पहले यहाँ पर लगा देता हूँ। तो चलो गाइस यार मेरे हिसाब से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बहुत है, एक बार मैं गिन लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गाइस ये 8 लाइन का प्लेटफॉर्म है, एक लाइन और कर देते हैं तो ये पूरी 9 हो जाएंगी। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बन चुका है, एंड अब मेरे को यहाँ पर बीच बीच में से कुछ कॉबल स्टोन्स हटाने हैं, तो मैं एक यहाँ से हटा देता हूँ, तो मेरे को क्राउच होकर हटाने पड़ेंगे, तो एक मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मेरे को देख कर हटाना पड़ेगा। एंड ये मैंने हटा दिया, 2 ब्लॉक का गैप छोड़कर मेरे को तीसरे ब्लॉक से फिर ये हटाना है, एंड यहाँ पर 2 ब्लॉक का गैप छोड़कर मुझे फिर से यहाँ से तीसरे ब्लॉक पे इसे हटाना है। एंड इतना होने के बाद अब मेरे को वापस से इसे 1 ब्लॉक यहाँ से हटाना है, एंड 2 ब्लॉक का गैप छोड़कर तीसरे ब्लॉक पर मुझे इसे फिर हटाना है। तो ये हो चुका है, एंड अब मेरे को यहाँ पर सबसे पहले 1 ब्लॉक यहाँ पर हटाना है, एंड 2 ब्लॉक का गैप छोड़कर तीसरे ब्लॉक पर मुझे इसे फिर हटाना है, एंड 2 ब्लॉक का गैप छोड़कर, मतलब 1 ब्लॉक का यहाँ पर गैप छूटेगा लेकिन चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं। एंड 2 ब्लॉक का गैप छोड़ना है, फिर से यहाँ पर लगा देना है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर मैंने पूरे में जितना भी सरफेस था मैंने प्लेन तो कर दिया है, एंड अब मैं सबसे पहले काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसके अंदर डर्ट फिल कर देता हूँ, क्योंकि सर अब मैं इसके ऊपर उगाने वाला हूँ ट्रीज। एंड ये जो मेरे पास लॉग्स हैं, मतलब लॉग्स कह रहा हूँ मैं, मतलब ये जो सैपलिंग्स हैं इनको यहाँ पर मैं उगाने वाला हूँ, एंड ये यहाँ पर बढ़कर ये मतलब ग्रो होकर ट्री बन जाएंगे। तो चलो गाइस सर सबसे पहले मेरे को इन दोनों ब्लॉक में से कोई एक सेंटर का पॉइंट हटाना पड़ेगा, मैं ये वाला हटा देता हूँ, एंड यहाँ पर एक और डर्ट लगा देता हूँ मैं। एंड गाइस सर इसके आसपास कोई और भी हटा सकता हूँ मैं, तो मैं काम करता हूँ ये वाला हटा देता हूँ, तो बस यहाँ पर अब मैं एक और यहाँ पर डर्ट लगा देता हूँ। तो बस इतना प्लेटफॉर्म तो बहुत है, एंड मेरे सबसे ज़्यादा बड़ा भी मेरे को भी करना नहीं चाहिए, मतलब धीरे धीरे जैसे हमारा वर्ल्ड बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हम अपना ये फॉरेस्ट भी बड़ा करते जाएंगे, इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर लॉग्स ले वो मतलब सैपलिंग्स लेकर आते हैं, तो यहाँ पर चुपचाप गेट बंद कर दो, ये एनिमल्स यहाँ पर जाने ना पाए। भाई क्रीपर आ, एक सेकंड भाई ये क्या हो गया। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ये नहीं सारी की सारी सैपलिंग्स, इनको मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है, एंड चलो यार सबसे पहले हम चलते हैं। एंड गाइस यार ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर अभी क्रीपर ब्लास्ट हो गया था, एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, लेकिन जैसे जैसे करके मैंने यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर मामला ठीक कर दिया है। यहाँ पर वापस से गेट बंद कर दो, एंड देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गाय भैंस यहाँ पर कम हो चुकी हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर गड्ढा हो गया था, एंड गड्ढे से मतलब बहुत सारी शीप एंड गाय भैंस यहाँ पर नीचे गिर गई थी। तो चलो गाइस यार वैसे भी यहाँ पर डे होने वाला है, तो मैं काम करता हूँ ये डर्ट कहाँ से लगा दी मैंने, इसे सबसे पहले मैं कलेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ भी यहाँ पर जितने भी सैपलिंग्स हैं इनको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6, अब गाइस यार ये जो सैपलिंग्स हैं एक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, एंड एक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। एंड गाइस ये जो सैपलिंग है मतलब इसको मैं बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में लगा देता हूँ, क्योंकि यार ये जो सैपलिंग है
ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एंड ये ग्रो होकर और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर मैंने पूरे में सैपलिंग्स लगा दिए हैं एंड ये आफ्टर 10 मिनट्स इसमें 3-4 पेड़ तो बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर आफ्टर 10 मिनट्स कितने पेड़ ग्रो हो सकते हैं। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आफ्टर 10 मिनट्स कुछ ज़्यादा ही पेड़, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो गाइस यहाँ पर 5 ट्रीज ग्रो हो चुके हैं एंड मतलब बहुत ज़्यादा सही है। मतलब 10 मिनट में 5 पेड़ उग चुके हैं, मतलब 10 में से 5 ट्री ग्रो हो गए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा सही था। एंड कहीं सर, जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड यहाँ पर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम यहाँ पर मतलब ये अपना फॉरेस्ट बड़ा करते जाएंगे। एंड यहाँ पर एक गाय मतलब बाहर निकली हुई है, तो चलो गाइस इसको छोड़ देते हैं। एंड देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा बड़ा वो पीछे वाला पेड़ है, मतलब उसकी जो लीव्स हैं वो यहाँ आगे तक आ रखी हैं। तो आइयो फिर, आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड जो भी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ गाइस यार, आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर नहीं। तो चलो गाइस यार, आज के सारे वीडियो में इतना ही। एंड हाँ गाइस यार, आप लोगों में से अभी तक जिस किसी ने भी मेरे को डिस्कॉर्ड सर्वर पर ज्वाइन नहीं कराया, इस डिस्कॉर्ड सर्वर पर ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलो गाइस, आज के सारे वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।